इनकी तो नाम बदलना ही विकास है, इनको जनता दौड़ाने के इंतजार कर रही है। 2022 में जनता इनको खुद जवाब देगी। तो अगर आपको 112 नाम करना था तो आप कोई अच्छी योजना नहीं चला देते, लेकिन उसको चलाने की हैसियत नहीं है। दूसरों की योजनाओं के नाम बदलेंगे केवल आप। ये नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। फिरोजाबाद कांच की नगरी से जाना जाता है। अगर फिरोजाबाद का नाम बदल के कुछ रख देंगे तो ये पत्थर नगरी नहीं हो जाएगी, ये कांच नगरी रहेगी। काम वालों को काम चाहिए और नाम वालों को नाम। क्या नाम बदलना ही काम है? और नाम होता है कि हमारी सरकार 24 घंटे काम करती है, तो धन्य है ऐसी सरकार। जय हिंद। इस बात की तारीफ होने लगी और हॉकी को लेकर नवीन पटनायक की तरफ से सुस्त पड़ा मीडिया ऊर्जावान हो गया। तभी याद दिलाया गया कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर तो पहले से पुरस्कार है, जिसे 2002 में शुरू किया गया था और 10 लाख रुपया दिया जाता था। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, उसका नाम, उसका क्या होगा? कहीं उसका नाम किसी नेता के नाम पर तो नहीं रख दिया जाएगा? अगर सरकार यह बताना चाहती है कि कांग्रेस ने सारी योजनाओं के नाम अपने नेताओं के नाम पर ही रखे हैं और वह इसमें सुधार कर रही है, तो फिर यह भी बता सकती है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड क्या है। मार्च 1982 से यह योजना है, इसका नाम भी किसी खिलाड़ी के नाम पर हो सकता था, लेकिन सितंबर 2017 में इसे दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड कर दिया गया। क्या सोचकर इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया? वैसे इसी साल 18 मार्च को संसद में कह चुकी है सरकार कि मंत्रालय इसका आंकड़ा नहीं रखता है कि पदक जीतने वाले कितने खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति खराब है और वे अलग अलग बीमारियों के शिकार हैं। इसलिए यह नहीं कहा जाना चाहिए कि राजीव गांधी का नाम हटाकर पुरानी गलती में सुधार हो रहा है और एक खिलाड़ी के साथ न्याय हो रहा है। मेजर ध्यानचंद को लेकर किसी पुरस्कार के नाम की मांग नहीं हो रही है, उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग दशकों से हो रही है। नाम बदलकर हेडलाइन बड़ी की जा रही है। नाम बदलने के पीछे अजीब अजीब तर्क दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले खिलाड़ी के योगदान की ही चिंता है, वरना अहमदाबाद के खेल स्टेडियम का नाम गुजरात के ही किसी क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर हो सकता था। इस साल फरवरी में जब अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया, तब काफ़ी विवाद हुआ। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के एक छोर का नाम रिलायंस एंड है और दूसरे छोर का नाम अडानी एंड है। 2018-19 के आर्थिक सर्वे में लिखा है कि पिछले एक दशक में जो सबसे अधिक कर देने वाले दाता हैं, उनके नाम पर इमारत, स्कूल, सड़क, एयरपोर्ट का नाम रखा जाना चाहिए। सरकार ही बता सकती है कि कितने ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनके नामों पर सड़कों का नामकरण हुआ है। लोग जानना चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी के अपने नाम पर स्टेडियम का नाम रखना सही है, तो मायावती का अपनी मूर्ति बना लेना कैसे गलत था, जिसका विरोध बीजेपी करती थी। गुजरात से कितने ही क्रिकेट खिलाड़ी हुए, महाराजा रणजीत सिंह जी जिनके नाम पर रणजीत ट्रॉफी खेला जाता है, और दलीप सिंह जी का संबंध गुजरात से रहा है। सैयद मुश्ताक अली कितने मशहूर खिलाड़ी रहे जो गुजरात के लिए खेले। सलीम दुर्रानी, वीनू मांगकर, नरी कॉन्ट्रैक्टर से लेकर यूसुफ पठान, इमरान पठान और पार्थिव पटेल के नाम पर इरफान पठान ने ट्वीट भी किया है कि उम्मीद है कि आगे से खेल के स्टेडियम का नाम खिलाड़ी पर ही होगा। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। तो यह ना समझे कि सरकार खेल से जुड़ी संस्थाओं और पुरस्कारों के नाम खिलाड़ियों पर रखना चाहती है। उसे राजीव गांधी पसंद नहीं हो सकते हैं, लेकिन दीनदयाल काफ़ी पसंद है। लेल ही नहीं, कई योजनाओं के नाम भी बीजेपी के नेताओं के नाम पर है। अटल पेंशन योजना के अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन भी एक योजना का नाम है, जिसका बजट 2020 में 600 करोड़ से 372 करोड़ कर दिया गया। कोई योजना आडवाणी जी के नाम पर भी हो सकती थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने अपने इस स्टूडियो में मुझे बुलाया। उसके बाद आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि माननीय योगी जी की आप 2017 से आज तक की कोई भी एक योजना दिखा दीजिए जिसका उन्होंने खुद शिलान्यास किया हो,
उसके बाद उसी का उद्घाटन किया हो। इनका काम, इनके तीन काम हैं मुख्य, योजना, दूसरों की योजनाओं के फीते काटना, दूसरों की योजनाओं के नाम बदलना और हमारे नेता अखिलेश यादव जी की के द्वारा किए गए योजनाओं के शिलान्यास का शिलान्यास करना। बाकी इनका कोई काम नहीं है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराना इनका काम है, जनता को भटकाना इनका काम है, देश को जातिगत विध्वंस की आग में धकेलना इनका काम है। कई ऐसे मुद्दे हैं, देखा भी जाए गया है कि गुजरात का स्टेडियम, जैसे मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर इन्होंने अपने नाम पर रखा। देखिए, नाम हम कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो इन्होंने गांधी जी को टारगेट करते हुए, नेहरू जी को टारगेट करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति लगवाई, बहुत अच्छी। मैं उस मूर्ति लगाने की जो योजना थी उसका स्वागत करता हूँ। अब इन्होंने उन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो नाम पर मोटेरा स्टेडियम था, उस स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कहीं अगली बार ये सत्ता में आ गए तो जो इन्होंने वो वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति लगवाई थी उस पर फोटो भी नरेंद्र मोदी का लगा देंगे। ये जब उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व की सरकार थी तो कई ऐसी योजनाएं चलाई गई, 100 डायल चलाई गई, 1090 जो महिला सुरक्षा के नाम पर चलाई गई, इन्होंने उस 100 डायल का नाम बदल दिया। आज उसकी इतनी कंडीशन, उसके तरह तरह के वीडियो आते हैं कि पुलिस वाले बेचारे उसमें धक्का लगा रहे हैं, उनको डीजल नहीं मिलता है पूरा, उन गाड़ियों के मेंटेनेंस के लिए उन्हें खर्चा नहीं मिलता है, तो वो गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आपको 112 नाम करना था तो आप कोई अच्छी योजना नहीं चला देते? लेकिन उसको चलाने की हैसियत नहीं है, दूसरों की योजनाओं के नाम बदलेंगे केवल आप। क्या नाम बदलना ही काम है ना? इनकी तो नाम बदलना ही विकास है। पिछले 7-8 साल से इनकी केंद्र में सरकार है, 4.5 साल से प्रदेश में सरकार है, लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ। विकास के नाम पर केवल जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा अभी तो एक थैले पे राशन का राशन बांटा जा रहा है, उसके थैले पे 40 रुपये का थैला दिया जा रहा है। उस थैले पे माननीय मोदी जी का फोटो, योगी जी का फोटो लगा के गरीब जनता को लूटा जा रहा है। 40 रुपये में आदमी क्यों थैला देगा, लेगा वो अपने घर से थैला लाएगा ना? पर सरकार तो प्रचार कर रही है कि फ्री में राशन। तो ये प्रचार जीवी है ना, ये आंदोलन वालों को आंदोलन जीवी कहते हैं, हम इनको प्रचार जीवी कहते हैं। ये केवल प्रचार जीवी हैं, भाषण जीवी हैं। समाजवादी पार्टी की बात छोड़ दीजिए आप, इनको तो जनता देख रही है, इनको जनता दौड़ाने का इंतजार कर रही है। 2022 में जनता इनको खुद जवाब देगी। नहीं, राजीव गांधी का नाम दीनदयाल के नाम से कर दिया। राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं इस देश के, उनका खुद का योगदान है कि उनकी इस देश के लिए वो बलिदान हो गए। उनके नाम से पंडित दीनदयाल जी के नाम पर कोई योजना का नाम करना, ये केवल एक ओछी मानसिकता का उदाहरण है। अगर आपको दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से कुछ करना है तो आप खुद बनाइए, उसका नाम रखिए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप किसी भी व्यक्ति के नाम के से जो पूर्व की सरकारों की योजनाएं चल रही हैं आप उसका नाम बदल लें, ये केवल एक ओछी मानसिकता के तहत किया जा रहा, और कुछ नहीं है। सरकारें भी तो थी। देखिए, इनका नाम बदलना नहीं, इनका काम तो मुख्य रूप से देश को गड्ढे में ले जाना, देश को लूटना और देश की सारी संपत्तियों को अपने कुछ बिचौलियों को बेचने का काम है। बाकी विकास पूरा देश जानता है कि देश की 95% संपत्ति देश के 5 अमीरों के नीचे रख दी इन्होंने। गिरमी, अडानी, अम्बानी जैसे बड़े नाम है उनमें। तो सबसे पहले तो इन्होंने उस संवैधानिक नियम की धज्जियाँ उड़ाई। इनके पास केवल और केवल 14 मेंबर हैं। ये बेईमानी से प्रशासनिक अधिकारियों की दम पर डब्बा बदलकर ये चुनाव तो जीत गए, लेकिन 19 मेंबरों का जो पैनल है वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बहुमत के रूप में खड़ा हुआ है। आज भी, पहले भी था, आज भी है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि इन्होंने फिरोजाबाद का जो नाम बदला वो चंद्रनगर नाम रखा, राजा जो थे चंद्रसेन उनके नाम पर। अब मैं आपको बता दूँ, ये चंदवार गांव का जो इतिहास है वो राजा चंद्रसेन से भी और भी ज़्यादा प्राचीन है। भगवान श्री कृष्ण से भी इसका इतिहास जुड़ा हुआ है, द्वापर युग से। दूसरी बात, जो राजा चंद्रसेन की राजधानी थी चंदवार, इसका बजट
इसकी ग्रांट अलग से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की सरकार में माननीय प्रोफेसर साहब माननीय अक्षय यादव जी के द्वारा अलग से एक फिरोजाबाद के लिए चंदवार ग्राम सभा के लिए और चंदवार जो पर्यटन स्थल है उसके लिए अलग से ग्रांट स्वीकृत हुई थी, तभी वहाँ का विकास हुआ। जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे ज़िले का जो नाम बदल रही है, ये सरकार मूल अपने जो एजेंडे हैं उनसे भटक रही है, विकास पर ध्यान नहीं दे रही है, उद्योग लगा नहीं रही है। इसका मेन उद्देश्य बचाए सिर्फ लोगों को भ्रमित किया जाए, लोगों को बेवजह की बातों में फंसाया जाए जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ इंडस्ट्री लगानी चाहिए, युवाओं को रोज़गार देना चाहिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। फिरोजाबाद कांच की नगरी से जाना जाता है, अगर फिरोजाबाद का नाम बदल के कुछ रख देंगे तो ये पत्थर नगरी नहीं हो जाएगी, ये कांच नगरी रहेगी। इसीलिए इसकी हम निंदा करते हैं। देखा जाए तो सरकार को सबसे ज़्यादा विकास पर ध्यान देते हुए युवाओं को रोज़गार दे, गरीबों को सहारा दे, कोरोना काल में जो लोग बर्बाद हो गए हैं उनको अन्न दे जिससे लोगों का भरण पोषण हो चुके और लोगों को बेरोजगारी से बचाया जा सके।